हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हमें सीधे दर्शकों को लेकर चलना है रणवीर के पास। रणवीर के साथ योग गुरु रामदेव मौजूद हैं। रणवीर, पार्लियामेंट जब पहुंचे थे पहला दिन था, वो जीत के आए थे चुनाव, आज मंदिर बिल्कुल रामदेव जी मेरे साथ में हैं, बस कुछ क्षणों में बात करेंगे और वो लगातार अब ये कार्यक्रम में शामिल होकर के यहाँ पे आए हैं। और कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वो जिस तरह से मोदी का भाषण रहा, योगी आदित्यनाथ का भाषण रहा, उसको लेकर के वो काफी तारीफ कर रहे हैं अभिभूत। और इससे पहले हमने तस्वीरें देखी साध्वी रितंभरा की, जो कि आज बहुत खुश है। तीन दशकों तक का आंदोलन और कोर्ट कचहरी झेलने वाली रणवीर, योग गुरु बाबा रामदेव से जरा बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरीके से संकल्प और संघर्ष के बीच जिस तरीके से राम मंदिर निर्माण की ये नींव रखी गई है आज इस पल में, क्योंकि हमने सुना था साध्वी रितंभरा को, वो बता रही थी कैसे वो भावुक हो रही थी, बार बार उनकी आंखों में पानी भर रहा था। और इस मौके पर महाराज जी, मैं पहला सवाल आज का क्षण, आप उसके इतिहास के साक्षी रहे, कैसा पहले महसूस? देखो, सदियों के संघर्ष के बाद, पुरुषार्थ पराक्रम के बाद, शौर्य बलिदान के बाद ये दिन देखने को मिला, तो इससे बड़ा और सौभाग्य क्या हो सकता है। और यह राम मंदिर मात्र एक इमारत नहीं है, यहाँ पर कुछ राम मंदिर लिखी हुई मात्र शिलाएं नहीं है, ये आधारशिला है एक दिव्य भव्य भारत की, जिसमें हम सांस्कृतिक अतीत को लेकर के वर्तमान का परम पुरुषार्थ करते हुए वैदिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान को लेकर के एक ऐसा भारत गढ़ेंगे जो सब प्रकार से परम वैभवशाली होगा। और उसके लिए राम मंदिर बनाते बनाते अपने मन मंदिर को, अपने जीवन को, अपने चरित्र को भी राम की तरह पवित्र बनाना है। और राम के धैर्य, राम की वीरता, राम के शौर्य, राम के पराक्रम, राम जैसा जो एक विराट व्यक्तित्व है, सीता जैसा जो एक दिव्यतापूर्ण व्यक्तित्व है, वो हमें अपने भीतर घड़ना पड़ेगा। अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम पुरा अयोध्या तस्याम हिरण्यः कोसः स्वर्गो ज्योतिषावृता। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर एक को राम जैसे चरित्र को जीना होगा, तब राम राज्य आएगा, तब ये राष्ट्र परम वैभवशाली बन पाएगा। तो मंदिर बनाने के साथ साथ इस देश में हम सबको परम पुरुषार्थ करना पड़ेगा। यह यात्रा अभी यहाँ रुकी नहीं है, यहाँ से तो प्रारंभ हुई है। महाराज जी, मोदी जी के भाषण को किस तरीके से देखते हैं? उन्होंने भी राष्ट्र निर्माण की बात की, मोदी जी ने भी राष्ट्र निर्माण की बात की है, राम के आदर्शों को शामिल करने की बात की है, लोगों से अपील की है, उस भाषण को किस तरीके से देखते हैं? भविष्य में मोदी का संदेश कैसा है? देखो, सबके हैं राम, सब में है राम, और सारे विश्व में जो रामायण का चरित्र है वो भिन्न भिन्न रूपों में, राम एक चरित्र है, राम एक मर्यादा है, राम एक प्रेम है, राम एक करुणा है, राम अयोध्या के भी हैं, राम सबरी के भी हैं, राम खेवट के भी हैं, राम वनवासियों के भी हैं, राम सीता के भी हैं। और इसलिए आज मोदी जी ने मात्र जय श्री राम नहीं बोला, सियापति रामचंद्र की जय। तो माने हमारी जो संस्कृति है उसमें भेदभाव नहीं है कोई, स्त्री का, पुरुष का, ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का, वनवासी आदिवासी का, हम सब मिल करके ये मंदिर तो बनाएंगे ही। मंदिर बनाते बनाते भारत के नव निर्माण के सोपान भी हमें चढ़ने हैं, और तभी हम एक परम वैभवशाली भारत, आत्मनिर्भर भारत गढ़ पाएंगे। और इसके लिए एक शौर्य की, एक वीरता की भी जरूरत है, इसलिए वीर राम की बात मोदी जी ने भी की और भागवत जी ने भी। आखिरी बात अपने दर्शकों, हमारे दर्शकों के लिए अगर कुछ गुनगुना दे आप बहुत खुश हैं। बस एक ही बात मैं कहना चाहूंगा कि राम भिन्न भिन्न रूपों में हम गाते हैं, उस राम के विराट चरित्र को, चाहे हम जो महात्मा गांधी ने गाया है, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। तो हम राम जो राजा भी थे, उनकी तरह राष्ट्र धर्म को, पितृ धर्म को, मानव धर्म को, अपने आत्म धर्म को, सांस्कृतिक धर्म को हम जिएंगे,
तब निश्चित रूप से हम सच्चे राम भक्त राम उपासक कहलाएंगे। बहुत शुक्रिया। जय रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय, सियाराम जय सियाराम, सियावर रामचंद्र की जय, सियाराम।